बाद इन नलायकों ना अहलों और आटा चीनी वोट चोरों को घर जाना होगा इंशाल्लाह। ये 2.5 साल कहते रहे घबराना नहीं, मईशत मनफी सतह पर आ गई, बेरोजगारी हो गई, मईशत का जनाजा निकल गया, आटा चीनी चोरी हो गई, गैस बिजली महंगी हो गई, कहते थे घबराना नहीं। लेकिन अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का 2 टोक ऐलान है और अवाम के लिए है कि घबराना नहीं, क्योंकि पीडीएम इन नलायकों को ना अहलों को और चोरों को घर भेज कर दम लेगी। और जिस किस्म की चीखें वजीर आजम से लेकर किराए के तर्जुमान, चाहे वफाक के हों चाहे पंजाब के हों, उनका जो खौफ है वो इस बात से आया है कि सिर्फ मरियम नवाज की रैलियां देखकर कहते हैं कि जलसे वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। इसी तरह जहां खाना खाया, मैंने कल कहा था कि जहां मरियम नवाज ने खाना खाया, खाना तो बट कढ़ाई पे मरियम नवाज ने खाया, बदहजमी पूरी हुकूमत को हो गई। इसी तरह ये कठपुतली जाली हुकूमत शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर सकती है, वहां एक वजीर तानियात कर सकती है जो चेकलिस्ट करता है, लेकिन ये अवामी ताकत को नहीं रोक सकती। और आज का लाहौर का जलसा इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो फैसला कुन घड़ी होगी जो इन सिलेक्टेड टोले को घर भेजेगी। अच्छा मरियम, ये बताइएगा कि आज अभी तक हम देख रहे हैं स्टेज भी तैयार नहीं है और कुछ जो इंतजामी मामलात हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हद तक जो डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, इस तमाम चीज़ों को आज आप किस तरह भी मैनेज करेंगे? टाइम भी आप लोगों के पास बहुत शॉर्ट रहेगा। देखिए बिल्कुल तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हैं। कल रात को कंटेनर्स देर से पहुँचने की वजह से डिफरेंट जगहों पर कंटेनर रोके गए और उसके बाद हमारे बंदे जाके उनको छुड़वाते रहे और फिर कंटेनर रात को यहाँ पहुँचे, लेकिन तमाम तैयारियाँ इस वक्त अपने अरूज पर हैं और इंशाल्लाह आवाम का इंतज़ार है। पूरी पीडीएम की जमातें जो हैं वो आज के दिन मीनार पाकिस्तान पर आवाम का इंतज़ार करेंगी, क्योंकि अवामी ताकत से हमने इस सिलेक्टेड टोले को घर भेजना है। अच्छा मियां, ये कि जितना भी जमहूरी प्योर है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नोटी की वजारत के उतना पर फायदे हैं, फर्स्ट टाइम हुआ है जाके पाकिस्तान सीख इंसाफ की पार्टी आई है, ऐसा क्यों है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी और नोटी की वजारत के उतना पर हक है, इसी पार्टी आई है तो उनको निकाल दिया? आई नहीं, लाई गई है। देखिये अगर पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट से आई होती, अगर आरटीएस को ना बिठाया जाता, अगर लोटों को अपनी मुख्तलिफ जमातों में ना डाला जाता, जो लोटे अब हम बिल्कुल लोटे हो चुके हैं, जो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है, तो हमें सर आंखों पर, क्योंकि वोट को इज्जत दो वोट को की जो तहरीक है वो इकतदार की तहरीक नहीं है, बल्कि वोट की इज्जत और पार्लियामान की बालादस्ती की तहरीक है कि जिसका मैंडेट हो उसकी हुकूमत हो। कठपुतली जाली वोट चोर मुल्क पर मुसल्लत है, ये नहीं हो सकता। और इसी वजह से आज की जो तहरीक है वो कामयाब है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को पता चल चुका है कि ये सिलेक्टेड टोला हमें रिलीफ इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि ये वोट चोरी करके आया है और इसके पास आवाम का मैंडेट नहीं। मियां नवाज शरीफ आज इस जलसा आम से खिताब करेंगे, किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली जाएगी? और आज देखने भी आ रहा है किसी किस्म की ना कंटेनर लगाया गया ना रुकावट डाली गई, इस पर क्या कहते हैं? देखिये ये इनकी मेहरबानी नहीं है, कल तक बयान था जलसे की इजाजत नहीं दी जाएगी और आज तक जलसे की इजाजत नहीं दी गई। ये तमाशे, ये ड्रामे, ये इस किस्म की जो हरकत हैं ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम सब जानती है। और ये इनकी मेहरबानी नहीं है, ये वो अवामी ताकत है जो गुजरांवाला से लेकर आपने देखा कि मुल्तान तक इन्होंने अपनी रियासती ताकत को इस्तेमाल करने की कोशिश की, हुकूमती होचे कंडे इस्तेमाल किए, लेकिन अवामी ताकत नहीं रुकी। इसलिए ये इनकी मेहरबानी नहीं है बल्कि पाकिस्तान की आवाम की ताकत है जो इस जलसे को नहीं रोक सकती। अच्छा आखिरी सवाल कोरोना एसओपी के हवाले से, जलसे के अंदर कोरोना एसओपी के लिए मेरी तमाम जी एक सवाल, क्योंकि पहली लहर में आप लोगों ने अपोजिशन तमाम ने कहा कि लॉकडाउन, दूसरी लहर में ना ये मुतालबा आया बल्कि जलसे जुलूस भी किए जा रहे हैं, तो आज के इस जलसे के लिए आप लोगों ने क्या हिकमत अमली इख्तियार की? इस जलसे में तमाम एसओपीज के बारे में आवाम को अवेयर भी किया गया है और मेरी आपके तवसुत से जो लोग आज के जलसे में
आ रहे हैं, जो अवामी सैलाब आज पाकिस्तान की अवाम देखेगी, उन सब से पीडीएम की भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बिहाफ पे मेरी भी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप लोग पीस का ख्याल रखें और मास्क पहन कर आएँ, क्योंकि ये मास्क पहन कर हमने कोविड 18 से निजात इंशाल्लाह हासिल करनी है। देखें ना, लोग रुकेंगे, आपने बट कढ़ाई सील की, आज लोग वहाँ कढ़ाई खा रहे हैं, तो ये आपकी औकात है जो आप आ गए हैं डीजे भट्ट साहब के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने पे, कुर्सियों वालों के खिलाफ, और अब ये इन हरकतों पे, तो कोई ना आवाम रुकेगी और इंशाल्लाह यहाँ पहुँचे लोग पैदल निकलेंगे इंशाल्लाह शहर के लोग।